देखो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबको बोला है संयम रखो, मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। सर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला, अरे आणू द्या हो, असले कसले अविश्वास। खरं म्हणजे हे जे काही आमदार पळून गेलेले आहेत त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा अविश्वास आहे। एकनाथ शिंदेवरती कुठल्याही पद्धतीची कारवाई होऊ शकते का, कारण त्यांच्या एका निर्णयाला पाठिंबा देत अनेक लोक गुवाहाटीत पोहोचले? कोणी कोणाला पाठिंबा दिलेला नाही, ज्या क्षणी हे मुंबईत येतील तेव्हा खेला होबे तो खेल शुरू हुई। दलों के साथ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात राज्य में चल रहे हैं उसके ऊपर आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है, आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा, इस झमेले में मत पड़िए। आप अपनी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए, चुनाव में